अभी हम आपसे लाइव जुड़ रहे हैं। ठीक, आज हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद एग्ज़ाम देने के लिए। जैसा कि आपको हम वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि बहुत से लोगों ने अफवाहें फैला दी कि जो भीड़ भाड़ बहुत सारे चल रहे हैं ट्रेन में। सो अभी इस प्रकार का किसी भी प्रकार का परेशानी तो हमें नज़र नहीं आ रही है। विद्यार्थी आराम से सो के जा रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं मस्ती से। सारे व्यक्ति देख रहे हैं किस तरह से मौज में सारे लोग एक दूसरे से कर रहे हैं। तो आप लोग यही अफवाह फैला रही है कि जो आप लोग जाएं एग्ज़ाम अच्छे तरीक़े से दें, निफिकिर दें। आपके सामने देखिए ये हैं सौरभ जी, ये भी बहुत खुश हैं। और ये हमारे साथी जो अमित कुमार, कहाँ के हैं आप? दिल्ली के। आप दिल्ली से हैं, तो कहाँ जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए? सिकंदराबाद जा रहे हैं। सिकंदराबाद, तो रेलवे व्यवस्था से आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं। ख्याल रखें तो फिर स्टूडेंट कम जा रहा है। आप भी ये जो वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले कि जो इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, क्या अब भी वो सिचुएशन आ रहा है? सिचुएशन नहीं है अब, वो सिचुएशन नहीं आ रहा। क्या आप रेलवे से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल। हेलो, आपका सर क्या नाम हुआ? अभिजीत जी, बताइए आप रेलवे में सफ़र करें अभी तक की कोई परेशानी? ऐसा मैं फर्स्ट डे का वीडियो देखा था, उस अनुसार से तो बहुत ज़्यादा अच्छा जो वायरल वीडियो हुआ था जी जी, उसमें दिखा जा रहा था कि विद्यार्थी मार करते हुए जा रहे हैं, लड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रेन है दरभंगा, ठीक है सर, हमको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक, हाँ, तो आपका क्या नाम हुआ सर? अमित जी, अच्छा ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो आपको इस रेलवे व्यवस्था से क्या लग रहा है कि पीयूष गोयल जी जो है विद्यार्थियों के लिए अच्छा किए या बुरा किए? चलिए चलिए देखिए किस तरह से बच्चे खुश हैं पीयूष जी के रेलवे व्यवस्था से। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? विश्वजीत आनंद जी, बताइए कि आप जा कहाँ रहे पहले? हम तो सिकंदराबाद ही जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। कैसा लग रहा है एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो थे बहुत ज्यादा मतलब भीड़ लेकिन आराम से जा रहे हैं। ये व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, सीटरों के लिए तो सबसे अच्छा है। अच्छा, देखिए ये इन्होंने भी कह दिया है कि सेटरों के लिए तो बहुत ही अच्छा बात है, और मेरे समझ से सेटरों के लिए तो ये बहुत ही बुरी खबर है। चलिए चलिए, अच्छी बात है। ठीक, हाँ, तो सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कौशल कुमार। कौशल जी, तो बताइए आप जा कहाँ रहे हैं? हैदराबाद जा रहे हैं। आप हैदराबाद जा रहे हैं, तो हैदराबाद तो आपका एग्ज़ाम पड़ा होगा, तो आप ये बताइए सफ़र कर रहे हैं रेलवे में, तो रेलवे की व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? रेलवे की व्यवस्था तो बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल, अभी जो चढ़े हैं उसके बाद पता चलेगा कैसा है। नहीं, एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ थी कि रेलवे जो है रिजर्वेशन का सो जनरल कोटा बन चुका है, सो ऐसा तो अब आपको नहीं लग रहा होगा? तो नहीं लग रहा है, हम लोग। अच्छा, चलिए ये तो अच्छी बात है। अब हेलो सर, आपका नाम? सौरभ जी, अच्छा आप कहाँ से हैं? बेगूसराय से। अच्छा ये बताइए आप जा कहाँ रहे हैं? हैदराबाद एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो आप रेलवे की व्यवस्था इससे पहले भी देखे होंगे जी, वो कैसा व्यवस्था था? पहले से काफी जो मन में भ्रम था वो दूर हो गया। वो भ्रम क्या था आपके अंदर? भ्रम था बहुत ज्यादा भीड़ होगी, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुन रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर देखिए एक महानुभाव पढ़ रहे हैं। सर आपका तैयारी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? रेलवे का एग्जाम देने जा रहा है। अच्छा वो क्या पढ़ रहे हैं वो थोड़ा जनता लोग को दिखाएंगे? अच्छा देख लीजिए, देखिए ये है करंट अफेयर इन भाई साहब जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। देखिए कि शायद ये संभावित प्रश्न है, शायद आप लोग देखिए इससे कुछ आ जाए तो आपके लिए इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता। ठीक, तो अभी आपको हम कुछ और आदमियों से रूबरू करवाते हैं। हाँ देखिए कैसे मस्ती में ये ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। हाँ तो सर
क्या आपको रेलवे व्यवस्था कैसा लग रहा है? ऐसा तो कभी नहीं मिला था। ऐसा कभी नहीं मिला था कि आराम से सो के जाए दिन में। पढ़ने के भी टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो हो, देखिए कि आजकल के बच्चे इतना होशियार हो गए हैं कि किन्हीं को ये दिखाते नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, मोबाइल में आराम से पढ़ते रहते हैं कि लगे कि भाई मोबाइल चला रहे हैं कुछ टाइम पास कर लेंगे। लेकिन नहीं, आजकल के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, वो मोबाइल से भी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको और भी आदमी से रूबरू करवाते हैं, चलते हैं कुछ आगे और देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भोजन की व्यवस्था अंदर में शांतिपूर्वक कर रहे हैं लोग। तो देखिए आगे जाके अब आपको निकालते हैं। ये थी आपका दरभंगा एक्सप्रेस सिकंदराबाद से, तो आपको हम ले चलते हैं रूबरू करवाने। और भी कई सारे स्टूडेंट हैं। ओ हाँ, यहाँ पर देखिए महानुभाव कुछ हैं जो ये भी सफ़र कर रहे हैं। और पानी बोतल। अच्छा ठीक। हाँ तो सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम डीके पासवान। डीके पासवान।